आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। हाल ही में घोषित हुए यूपीएससी के परिणाम में ताज नगरी के सक्षम गोयल ने शहर का नाम रोशन किया है। सिविल सेवा की परीक्षा में सक्षम ने 27वीं रैंक हासिल कर अब वह आईएएस बन गए हैं। पहले ही प्रयास में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है, जिस पर सक्षम गोयल के परिवार और उनके दोस्तों में हर्ष की लहर है। सिकंदरा आवास विकास कॉलोनी निवासी अमित गोयल के पुत्र सक्षम गोयल ने आगरा में सेंट कॉनर्ड इंटर कॉलेज से 10वीं पास की है। इसके बाद सक्षम ने दिल्ली के वसंत कुंज स्थित डीपीएससी वाराबी की, उसके बाद सन 2020 में बीए पास की। इसमें राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र जैसे विषय शामिल रहे। इसके बाद आईएएस की तैयारी में जुट गए। पहले ही प्रयास में उनका चयन हो गया। सक्षम गोयल ने अपनी इस सफलता के लिए दादा एस के गोयल और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में कार्य कर चुके पिता अमित गोयल को श्रेय देते हैं। सक्षम की इस उपलब्धि पर परिजनों ने हर्ष व्यक्त किया है। देखिए, वैसे तो डीएम की एग्जैक्ट जो निटिग्रिटीज है जॉब की, वो तो अभी ट्रेनिंग में पता चलेंगी, लेकिन मुझे जो सेक्टर्स लगते हैं हेल्थ, एजुकेशन और सोशल वर्क, इसके अंदर और इसके अंदर क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट रहा है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, उसे मैं इसकी पॉलिसी मेकिंग में कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, वो डीएम के स्तर पे हो या आगे सेक्रेटरी के स्तर पे हो, उसे मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगा। देखिए, जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं यही कहूँगा कि जो पास्ट ईयर टॉपर्स हैं वो अपने लेक्चर्स देते हैं, उन लेक्चर्स को देखिए, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखिए और उस हिसाब से अपने ऊपर एक कस्टमाइज्ड प्लान बनाइए। यू आर द बेस्ट जज ऑफ योरसेल्फ। हर पिता को बहुत खुशी होती है जब उसका बेटा तरक्की करे। आज मैं बहुत खुश हूँ कि इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रॉपर आईएएस से अलॉट हो रहा है। बहुत खुशी की बात है। मैं इससे हमेशा ये कहता रहा कि किसी दबाव में कोई काम मत करना। जब इसने 10th पास किया, 12th पास किया, जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। इसकी इच्छा थी 3 महीने के लिए हार्वर्ड में जाने के लिए अमेरिका में। मैं इसे लेकर गया, वहाँ पर भी इसने बहुत अच्छा किया। तो कभी भी बच्चों के ऊपर अपनी इच्छाओं को थोपिए मत। जो उसकी इच्छा है उसे करने दीजिए और फ्री हैंड दीजिए, तो हमेशा बच्चे एक्सेल करेंगे। घर में आज सच में बहुत खुशी का माहौल है। हम सब उम्मीद कर रहे थे कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करेगा इस एग्ज़ाम को। वी वर प्रिटी श्योर कि ये कर लेगा, इसलिए हमने इसको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी कभी फोर्स नहीं किया कि सेकंड अटेम्प्ट देना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बचपन से इसको बिल्कुल तैयार नहीं किया गया। ये इसकी अपनी ही इच्छा थी कि चलो एक बार इसको मैं ट्राई करता हूँ। इसको शुरू में जब इसने 10th पास किया था, सब लोगों ने कहा बहुत अच्छे मार्क्स हैं, इसको साइंस दिलाइए, इंजीनियर बनाइए। हमने पूछा इससे कि आप इंजीनियर बनोगे? मतलब मम्मा इंजीनियरिंग कर लूँगा, लेकिन मैं बहुत अच्छा इंजीनियर इसलिए नहीं बनूंगा, मुझे कील, हथौड़ी या ट्यूबलाइट या स्विच बोर्ड ये सब मुझे पसंद नहीं है। उनका मेडिकल, कहते हैं मेडिकल भी मैं पढ़ाई तो कर लूँगा, लेकिन बहुत अच्छा डॉक्टर इसलिए नहीं बनूंगा क्योंकि दूसरे का दुख देख के मुझे सबसे पहले दुख होता है। तो ऐसा इंसान क्या करे? उसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, इसलिए उसने पॉलिटिकल साइंस ले लिया। और शुरू से मैंने बचपन में इसको एक स्टोरी सुनाई थी इंदिरा गांधी की, तो इसका इंदिरा गांधी में इंटरेस्ट जागा, उसके बारे में पढ़ा, इंदिरा गांधी जी के बारे में काफ़ी पढ़ा इसने और पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में पढ़ा। रीडिंग हैबिट इसकी शुरू से बहुत ज़्यादा थी। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए आगरा से अमित